क्लिनिकल इंटरवेंशन, नैदानिक हस्तक्षेप। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर क्लिनिकल साइकोलॉजी नाम के लेक्चर सीरीज का आज का ये फिफ्थ सेक्शन है, जो कि लेक्चर सीरीज का फाइनल वीडियो होगा, फाइनल लेक्चर होगा। हम फर्दर लेक्चर भी सेपरेटली शेयर करेंगे, फिलहाल तो ये फाइनल लेक्चर है लेक्चर सीरीज का, जिसमें आज हम जानने वाले हैं कि क्लिनिकल इंटरवेंशन क्या है, मीनिंग क्या है, और इश्यूज़ क्या हैं जो थेरेपिस्ट फेस करते हैं क्लिनिकल इंटरवेंशन देने में, साइकोथेरेपी को देने में, और इंटरवेंशन टेक्निक्स जो है, साइकोड्रामा क्या है, योगा मेडिटेशन इनका क्या रोल है, और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उनकी वो क्या है, उनकी क्या डायग्नोस्टिक वैल्यू है, जैसे WAIS है, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, MMPI है, इनका क्या यूज़ है, और बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है वो सब क्या है, उसके ऊपर चलिए आज नज़र डालते हैं लेक्चर में। तो क्लिनिकल इंटरवेंशन, जो जो टर्म क्लिनिकल इंटरवेंशन है वह रिफर करता है, वह जुड़ा है किससे, थेरेपी टेक्निक्स से, अनथेरेप्यूटिक प्रोग्राम से, प्रोवाइडेड बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल दैट कैन ऑफर हेल्प टू ट्रबल्ड इंडिविजुअल। तो ऐसी थेरेप्यूटिक टेक्निक्स या थेरेप्यूटिक प्रोग्राम्स जो ट्रबल्ड इंडिविजुअल को हेल्प प्रोवाइड करते हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा दी जाती है, उसको क्लिनिकल इंटरवेंशन कहा जाता है। और जो अप्लाइड साइकोलॉजी में इंटरवेंशंस आर एक्शंस परफॉर्म्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन पीपल, ए वाइड रेंज ऑफ इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट एंड दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेरियस टाइप्स ऑफ इश्यूज। मोस्ट जनरली इट मीन्स एनी एक्टिविटीज यूज टू मॉडिफाई बिहेवियर, इमोशनल स्टेट और फीलिंग। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन हैव मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड द मोस्ट कॉमन यूज इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, मोस्ट कॉमनली यूजिंग साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी मेंटल ट्रीटमेंट देने के लिए यूज किया जाता है, जो इंटरवेंशन की जो मुख्य बात है। द अल्टीमेट गोल बिहाइंड दीज इंटरवेंशंस इज नॉट ओनली टू एलेविएट सिम्टम, इनका केवल सिम्टम को कम कर देना ही नहीं है, जो कि मानसिक रोग का सिम्टम लक्षण दिख रहा है, किसी को टेंशन है, डिप्रेशन है, सॉरी केवल सिम्टम्स को एलेविएट या उनको कम करना ही नहीं है, बल्कि टारगेट द रूट कॉज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, उनके रूट कॉज को भी ठीक करना जरूरी है। जो साइको एनालिसिस के माध्यम से, अन्य टेक्निक के माध्यम से रूट कॉज को जानना, उसको भी ट्रीट करना आवश्यक है, जहाँ से कि मानसिक रोग पैदा हो रहा है, फैमिली सिस्टम गड़बड़ी है, तो उसको देखना है। टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस कैन बी कपल्ड विद साइको एक्टिव मेडिकेशन, तो उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, उसको साइको एक्टिव मेडिसिन से उसको जोड़ो, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ साथ साइको एक्टिव मेडिकेशंस का भी उसमें यूज करना उसको और इफेक्टिव बनाएगा। टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन कैन बी कपल्ड विद, ठीक है। और साइकेट्रिस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग्स टू मैनेज सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, साइकोसोशल इंटरवेंशन हैव ए ग्रेटर और मोर डायरेक्ट फोकस ऑन पर्सन सोशल एनवायरमेंट इन इंटरेक्शन विद देयर साइकोलॉजिकल, तो साइकोसोशल अप्रोच ये भी अपनाया जा सकता है, और साइकोलॉजी और मेडिकेशन को भी ऐड किया जा सकता है। तो सारी चीज़ें क्लिनिकल इंटरवेंशन से जुड़ी हैं, साइकोथेरेपी से जुड़ी हैं। तो गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी, इसको साइकोथेरेपी भी दूसरे अर्थ में कह सकते हैं, क्लिनिकल इंटरवेंशन जो साइकोलॉजिकल जो टेक्निक्स हैं जो कि पेशेंट को अच्छा फील कराने मदद करती हैं, वो क्लिनिकल इंटरवेंशन ही है, तो ऐसी साइकोथेरेपी भी है। तो साइकोथेरेपी का मुख्य काम है स्ट्रेंथनिंग द पेशेंट्स मोटिवेशन, गोल क्या है, जैसे गोल की बात है, उद्देश्य क्या है, जो भी पेशेंट है, जो भी व्यक्ति है, जो ट्रबल्ड पर्सन है, उसकी मोटिवेशन, उसकी प्रेरणा को मजबूत करना है अच्छे कामों को करने के लिए, सबसे पहला उद्देश्य तो है। और दूसरा रिड्यूसिंग इमोशनल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर को कम करने की कोशिश करनी बाय फैसिलिटेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंस फीलिंग, इंटेंस फीलिंग की एक्सप्रेशन के माध्यम से उनकी इमोशनल प्रेशर को कम करने की कोशिश भी, ये इसका उद्देश्य है क्लिनिकल इंटरवेंशन साइकोथेरेपी। और रिलीजिंग द पोटेंशियल ऑफ पेशेंट्स, उनके पोटेंशियल को बाहर निकालना है, उनको उससे अवगत कराना, यह भी एक साइकोथेरेपिस्ट का काम है, किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पेशेंट के। और चेंजिंग अनडिजायरेबल एंड इनअप्रोप्रिएट हैबिट्स,
जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है और जो अनुपयुक्त जो उसकी आदतें हैं, जो गलत आदतें हैं, उनको भी ठीक करने की कोशिश की जाती है थेरेपी के माध्यम से, जो कि उसको मानसिक रोग पैदा कर रही हैं, और मॉडिफाइंग द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द पेशेंट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी साइकोथेरेपी का, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को ठीक करना। सोचने विचारने का जो प्रक्रम है उससे भी मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं, और बहुत ही काफ़ी प्रभाव करने वाला ये कारक है। तो इसको भी सही करके मानसिक रोग भी सहज रूप से ठीक होते हैं। तो इंक्रीजिंग पेशेंट्स नॉलेज, नॉलेज को बढ़ा देना, क्योंकि अज्ञानता से ही रोग हुआ है भाई। कॉग्निटिव प्रोसेस ठीक नहीं था, ज्ञान नहीं था उस चीज़ का, तब तो हम बीमार हो गए। खान पान का ज्ञान नहीं होगा तो आदमी को फिजिकल डिसऑर्डर्स होगा, और मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा तो मेंटल डिसऑर्डर होगा। इसलिए उसको नॉलेज प्रोवाइड कराना भी बहुत आवश्यक है। हिज कैपेसिटी फॉर इफेक्टिव डिसीजन, इंक्रीजिंग सेल्फ नॉलेज और इनसाइट, सेल्फ नॉलेज बढ़ाना, इनसाइट बढ़ाना, ये सब बातें, और एम्फेसाइजिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ब्रिंगिंग चेंजेज इन सोशल एनवायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, उनका सोशल एनवायरमेंट चेंज करने की कोशिश करना, उनको पॉजिटिव फेवरेबल एनवायरमेंट प्रदान करना, ये सब क्लिनिकल इंटरवेंशन यानी कि साइकोथेरेपी का गोल है और उद्देश्य है। चेंजिंग बॉडीली प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस पेनफुल फीलिंग्स और इंक्रीज बॉडी अवेयरनेस। तो उनको बायो फीडबैक, उनको डीप ब्रीथ, उनको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देना, यह भी इसका माध्यम है, जिससे कि वो अपने पेनफुल फीलिंग्स को बदल सके और उसके उससे कोप करें, उसे टैकल करने में उसको मदद मिल सके। और टाइप्स क्या है साइकोथेरेपी क्लिनिकल इंटरवेंशन के, जैसा कि हमने लास्ट के लेक्चर्स में भी, जो पिछले इसमें लेक्चर हमने शेयर किए उनमें भी इसमें हमने बताया है। तो टाइप्स ऑफ थेरेपी या क्लिनिकल इंटरवेंशन, जिसमें साइकोडायनेमिक थेरेपी सबसे मुख्य है, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, ह्यूमनिस्टिक एक्सपीरियंशियल थेरेपी है, और ग्रुप थेरेपी है। मुख्य रूप से इंटरवेंशन टेक्निक है, साइकोथेरेपी है जो यूज की जाती है ट्रबल्ड पर्सन को रिलीव करने में, उसके मानसिक रोगों से बचने में हेल्प करने में और मानसिक रोग के उपचार में। तो जो इश्यूज हैं इसकी बात हमने लास्ट के लेक्चर में की हुई है, कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, रेगुलेशन है, एथिक्स है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा नहीं आज इसमें, क्योंकि क्या ऐसे इश्यूज हैं थेरेपिस्ट फेस करता है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ। तो इसी क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। तो जो कॉमन इश्यूज हैं, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग से भी जुड़ी हुई बातें हैं, ये भी इशू बहुत बड़ा है। जो ट्रेनिंग होना और उनकी डिजायर्ड जो डिग्रीज हैं उनका होना काफ़ी आवश्यक है किसी भी क्लिनिकल प्रोफेशनल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेशनल, क्लिनिकल साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रोफेशनल बनने के लिए। और उनके रेगुलेशंस क्या हैं, गोपनीयता का रखना, एक बहुत सी बातें उसमें हैं, हमने उसमें डिस्कस की हैं, ईमानदारी का होना और कल्याण का भाव होना, ये सब बातें उससे जुड़ी हैं। और एथिक्स की बात है उसमें, प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता का होना भी आवश्यक है, और पेरिल्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, तो प्रोफेशनलिज्म का होना भी बहुत आवश्यक, अपने कार्य के प्रति व्यावसायिक होना, व्यावसायिक भाव होना। तो इसको डिस्कशन हमने लास्ट के लेक्चर्स में किया हुआ है, जो इश्यूज होते हैं थेरेपिस्ट के उसमें हमने इस बात को डिस्कस किया। तो अब जानते हैं कि एनकाउंटर ग्रुप थेरेपी क्या है। एन एनकाउंटर ग्रुप इज ए फॉर्म ऑफ ग्रुप थेरेपी दैट इमर्ज्ड विद द पॉपुलराइजेशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इन 1960s। तो ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से ही ये उत्पत्त हुआ है, ये ग्रुप एनकाउंटर ग्रुप थेरेपी का कॉन्सेप्ट। एनकाउंटर ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जो 1960 से इसकी शुरुआत हुई है, 1960 के दशक में, द वर्क ऑफ कार्ल रोजर्स, फाउंडिंग फादर ऑफ पर्सन सेंटर्ड काउंसिल, इज सेंट्रल टू दिस मूव अवे फ्रॉम साइको एनालिटिक ग्रुप्स टूवर्ड्स द ह्यूमनिस्टिक एनकाउंटर ग्रुप। तो जो साइको एनालिटिक था, पर्सनल सेंटर्ड अप्रोच था, तो जो कार्ल रोजर्स साहब की भाई ग्रुप के ऊपर एनकाउंटर कराना, उनका आपस में ग्रुप के रूप में उनका एनकाउंटर होना, उनको थेरेपी प्रोवाइड कराना, ये सब उन्होंने टेक्निक्स की बात की। सच ग्रुप्स कॉल्ड ट्री ग्रुप्स या ट्रेनिंग ग्रुप्स और सेंसिटिव ट्रेनिंग ग्रुप्स, एक्सप्लोर न्यू मॉडल्स ऑफ इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। द फर्स्ट ग्रुप वेयर एक्सपेरिमेंटल एफर्ट्स बाई हेल्प रिसर्चर्स एंड वर्कर्स ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द सिकनेस ग्रुप वर्क मॉडल यूज इन द साइकेट्रिक इंडस्ट्रीज ऑफ
of the time. Encounter groups are formed usually under the guidance and leadership of a psychologist or therapist. तो encounter group जो होते हैं किसी भी एक्सपर्ट के, साइकोलॉजिस्ट के, साइकेट्रिस्ट के, थेरेपिस्ट के कंट्रोल में ही, उसकी लीडरशिप में ही फॉर्म किए जाने चाहिए. और टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर इंटेंसिव इंटरेक्शन, तो जो आपस में लोगों का इंटरेक्शन होगा एक अच्छा और हेल्दी इंटरेक्शन होने के लिए, एक साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट के लीडरशिप में होना चाहिए. इन जनरल बिकॉज द थेरेपी टेक्स प्लेस इन ग्रुप सेटिंग, वन ऑफ द गोल्स ऑफ द एनकाउंटर ग्रुप इज इम्प्रूव द पार्टिसिपेंट्स इंटरपर्सनल स्किल्स. तो बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जो अपने पीयर ग्रुप से और एक जैसी समस्याएं झेलने वाले व्यक्तियों से आपस में शेयर होती हैं, उससे भी लोगों को अवेयरनेस आती है. तो सब इनकाउंटर ग्रुप का, ग्रुप थेरेपी का या इनकाउंटर ग्रुप का जो टेक्निक है उसको अपनाने का यहाँ पर यह लक्ष्य होता है, जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई है, साइको एनालिसिस के और जो पुरानी जो ट्रेडिशनल साइकोथेरेपेटिक टेक्निक्स थी उससे हटके. तो जो नेक्स्ट की बात करते हैं कि इंटरवेंशन यानी कि नैदानिक हस्तक्षेप जो होता है उसके जो टेक्निक्स हैं, साइकोड्रामा जो यहाँ पर विशिष्ट रूप से बताएगा, योगा मेडिटेशन क्या है, इसका तो कुछ विस्तार से हमें बताने की जरूरत नहीं कि इसके मानसिक स्वास्थ्य में कितना लाभ है, क्या लाभ है. इसमें तो काफ़ी रिसर्चें चल भी रही हैं, हुई भी हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने हैं भी. तो बात विशेष रूप से मैं बात यहाँ पर साइकोड्रामा की करूँगा, जिसको मनोनाटक भी कहते हैं. उसका क्या रोल है, उसमें कैसे मानसिक रोग में फायदे करता है, इज एन एक्शन मेथड, ये एक्शन मेथड है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है रोगी. ओपन यूज ये थेरेपी, साइकोथेरेपी इन विच क्लाइंट यूज स्पॉन्टेनियस ड्रामेटाइजेशन, रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग में उसको करते हैं यूज, ड्रामेटिक सेल्फ प्रेजेंटेशन टू इन्वेस्टिगेट द गेन इनसाइट इन टू दियर लाइफ. तो उसको सेल्फ प्रेजेंटेशन करेगा कि उसके जीवन में इंसाइट आए, उसके अंतर्दृष्टि आए, अपने मानसिक रोग लड़ने की शक्ति आए या उससे समझ पैदा हो, इस बात के लिए साइकोड्रामा का उस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है. द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी इज साइकोड्रामा. तो ग्रुप साइकोथेरेपी है जो साइकोड्रामा ही है, ओरिजिनल फॉर्म जो उसका. तो जैकोब लेवी मोरेनो इन्होंने डेवलप किया साइकोड्रामा को, और ऑल्सो क्वाइंट द फ्रेजेस ग्रुप थेरेपी, ग्रुप थेरेपी की शब्द की भी इन्होंने ही शुरुआत की, ग्रुप साइकोथेरेपी की भी बात की इन्होंने. मोरेनो जो विद्वान थे उन्होंने, एट इट्स कोर साइकोड्रामा यूजेस डीप एक्शन मेथड टू एक्सप्लोर एंड करेक्ट इशूज दैट हैव बीन आइडेंटिफाई इन द ग्रुप. ऑपन ए प्रोटेगोनिस्ट इज चोजन हुज इशू रिप्रेजेंट द मेन एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप. द प्रोटेगोनिस्ट brings forward their drama and the members of the group are brought in an auxiliaries to add the dramatic enactment of the sense or senses brought forward by the protagonist. So psychodrama Jacob L. Moreno dwara iska coin kiya gaya, iski shuruaat ki gayi, iska mansik rogon ke utthan mein, mansik rogon ke upchar mein काफ़ी इफेक्टिव प्रभाव है. तो साइकोड्रामा ग्रुप साइकोथेरेपी टेक्निक्स इन विच पेशेंट्स मोर और लेस स्पॉन्टेनियसली ड्रामेटाइज देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स बिफोर एन ऑडियंस ऑफ फेलो पेशेंट्स एंड थेरेपिस्ट, सम ऑफ हुम मे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द ड्रामेटिक प्रोडक्शन. ए स्टेज सेटिंग इज जनरली यूज एंड द चीफ थेरेपिस्ट फंक्शनर एज डायरेक्टर एनकरेजिंग पार्टिसिपेंट्स टू प्रोजेक्ट एज मच एज पॉसिबल इन टू देयर रोल्स and occasionally modifying the parts of the players. The subject of the drama is usually some emotionally charged situation common to group or form the patient's protagonist's life, enabling participants to gain some emotional release and control over anxiety provoked in similar situation, as well as to learn new ways of responding in the future. Sometimes the therapist director will have an auxiliary character switch roles with the protagonist so that the patient may observe and react to himself as others see him. The dramatization follows by the discussion between players and audience. तो ऐसी परिस्थिति ड्रामेटाइज की जाती है, बनाई जाती है, जिसको हमारी रियल लाइफ से जुड़ी है, और उसमें ऐसी परिस्थिति करके दिखाई जाती है ड्रामेटाइजेशन के माध्यम से, जिससे कि इंसाइट क्रिएट हो, जिसको उसे लगे कि भाई इस सिचुएशन में मैंने इसको कैसे टैकल करना है, कैसे डील करनी है,
उस परिस्थिति से कैसे उभरना है, उससे कैसे लड़ना है, सब मानसिक रोगों से बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए ये साइको ड्रामा का रोल है इस साइकोथेरेपी में, साइकोथेरेपी टेक्निक्स में। काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी एक रोचक मेथड है मानसिक रोगों से उपचार करने का। तो आगे नेक्स्ट में बढ़ते हैं कि डायग्नोस्टिक वैल्यू का है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, जैसे कि बात के बिने की, WIS और MPI की, तो जो 19th सेंचुरी में था, द फ्रेंच गवर्नमेंट आस्क बिने टू हेल्प डिसाइड विच स्टूडेंट्स वर मोस्ट लाइकली वर्समेंट डिफिकल्टीज को। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने बिने साहब को कहा कि एक ऐसा टेस्ट का डेवलपमेंट करो, इंटेलिजेंस टेस्ट की ही ऑब्वियसली बात थी वो, कि डिफिकल्टी जिन स्टूडेंट्स को फील होता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो द गवर्नमेंट हैज़ पास द लॉ रिक्वायरिंग दैट ऑल फ्रेंच चिल्ड्रन अटेंडेड स्कूल, सो इट वॉज इम्पोर्टेंट टू फाइंड ए वे टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु वुड नीड स्पेशलाइज असिस्टेंस। बिने हैज इन एंड हिज कॉलीग थियोडोर साइमन बिगेन डेवलपिंग क्वेश्चंस दैट फोकस्ड ऑन एरिया नॉट एक्सप्लिसिटली टॉट इन स्कूल, सच एज अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इन बातों पे उन्होंने ध्यान देते हुए स्किल का डेवलपमेंट किया, ऐसे क्वेश्चंस लिखे, ऐसे आइटम्स लिखे। यूजिंग दीज क्वेश्चंस बिने डिटरमाइंड व्हिच वंस सर्व्ड एज द बेस्ट प्रेडिक्टर्स ऑफ सक्सेस, स्कूल सक्सेस। तो इन्होंने अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को साथ में जोड़ते हुए टेस्ट का डेवलप किया, ये पता करने की कौन सी ऐसी जो बातें हैं जो स्कूल सक्सेस में आवश्यक है। क्या अटेंशन का रोल है, क्या मेमोरी का रोल है, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का रोल है, जो कि स्कूल सक्सेस को प्रेडिक्ट करते हैं, स्कूल सक्सेस का कारण है। तो द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था रिफर्ड टुडे एज ए बिने साइमन स्केल। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने वो स्केल के लिए कहा, स्कूल बच्चों के मानसिक स्तर के अध्ययन के लिए, उनको जो स्कूल मैं एक्सपीरियंस में स्कूल लर्निंग में डिफिकल्टी हो रही है उसको आइडेंटिफाई करने। तो फर्स्ट स्केल उन्होंने डेवलप किया, वो बिने साइमन स्केल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बिकेम द बेसिस फॉर द इंटेलिजेंट टेस्ट स्टिल इन यूज टुडे। तो इतना पॉपुलर है, इतना ऑथेंटिक है कि अभी भी उसका यूज होता है। और बिने हिमसेल्फ डिड नॉट बिलीव दैट द साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स कुड बी यूज टू मेजर ए सिंगल परमानेंट एंड इनबॉर्म लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। वो इन्होंने ऐसा कभी नहीं माना कि भाई जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उससे तुम परमानेंट और इनबॉर्न लेवल का इंटेलिजेंस तो इससे मेजर नहीं हो सकता। फिर भी एक जो इंटेलिजेंस की जो मापन के उन्हें टेक्निक थी या वो स्केल का उन्हें डेवलप उन्होंने किया, जिसको पहला बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहते हैं, सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट का, या यूँ कहें कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में सबसे बड़ी शुरुआत उन्हीं के माध्यम से हुई थी, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण या बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से। उसके बाद आ जाता है वेसलर साहब का WS, वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। जन इंटेलिजेंस टेस्ट फर्स्ट पब्लिश इन 1955, तो 1955 में यह पब्लिश हुआ, एंड डिजाइन टू मीजर इंटेलिजेंस एडल्ट एंड ओल्डर एडल्ट, एडल्ट के ऊपर, युवाओं के ऊपर, इनके उनके इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए, इंटेलिजेंस का अध्ययन करने के लिए इसका निर्माण हो। जैसा कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण बच्चों के लिए था, स्कूल लेवल्स के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए था, तो ये जो एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बनाया वेस्लर ने वो एडल्ट्स के लिए बनाया। तो टेस्ट वॉज डिजाइन बाय साइकोलॉजिस्ट डेविड वेस्लर, इसलिए इसको वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल कहते हैं। वेस्लर बिलीव दैट द इंटेलिजेंस वॉज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट मेंटल एबिलिटी रादर देन ए सिंगल जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। वो कहते हैं कि भाई एक सिंगल जनरल उससे नहीं होता है, वेस्लर मानते थे कि डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज से मिलके इंटेलिजेंस बना है, तो उस आधार पर उन्होंने इंटेलिजेंट टेस्ट का निर्माण किया। और उसके बाद MMPI आ जाता है, जो पर्सनालिटी का, जो मेंटल हेल्थ में, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज होने वाला, सर्वाधिक यूज होने वाला टेस्ट रहा है और है, उसको MMPI कहते हैं, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री जिसको कहा जाता है। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट असेसेस पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड साइकोपैथोलॉजी, पर्सनालिटी ट्रेट्स और उनके रोगकारिता जो है उन ट्रेट्स में या मनुष्य में उसका अध्ययन करता है। इट इज़ प्राइमरीली इंटेंडेड टू टेस्ट पीपल हु आर सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग मेंटल हेल्थ एंड अदर क्लिनिकल इश्यूज,
although it was not originally designed to be administered to non-clinical populations. So, non-clinical population के लिए तो ओरिजिनली डिजाइन नहीं था, लेकिन इट वॉज फाउंड द MMPI द करेंटली कॉमनली एडमिनिस्टर्ड इन वन ऑफ टू फॉर्म्स। तो दो इसके फॉर्म है, MMPI-2 है और MMPI है। तो MMPI-2 MMPI-RF करके है। तो MMPI-2 विच हैज 567 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस हैं एंड अ न्यूअर MMPI-2RF पब्लिश इन 2008 एंड कंटेनिंग ओनली 338 ट्रू और फॉल्स आइटम। वाइल द MMPI-2RF इज न्यूअर मेजर एंड टेक्स अबाउट हाफ द टाइम टू कंप्लीट, क्योंकि बहुत लेंथी हो गया था 567 आइटम्स का। उसने MMPI-2 जो RF जो वर्जन बनाया 2008 में, उसमें 338 क्वेश्चन को रखा गया जो ट्रू और फॉल्स आइटम्स जो हाफ है, और यूजली अबाउट 40 से 50 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता। तो MMPI-2 इज स्टिल द मोर वाइडली यूज, क्योंकि MMPI-2 बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेता, अभी भी यूज में है वो। बिकॉज ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग लार्ज रिसर्च बेस्ड ऑन फैमिलियरिटी एमंग साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि लोगों ने इतना उसके आदी हो चुके हैं कि उसको यूज करना उनकी मजबूरी भी है, और भी लेंदी भी है, सारा ही पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कवर कर लेता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज को कवर कर लेता है। अनदर वर्जन ऑफ टेस्ट MMPI-A इज डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर टीनेजर। तो MMPI-A जो है वो टीनेजर्स के लिए उसको डिजाइन किया गया। MMPI-2 इज डिजाइंड विद 10 क्लिनिकल स्केल्स, और 10 क्लिनिकल स्केल्स इसके अंदर होती हैं जो 10 मेजर कैटेगरीज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर का अध्ययन करती हैं, एंड 4 वैलिडिटी स्केल्स हैं जो यह जानने के लिए होते हैं कि जो आंसर दिया गया है वह ट्रूथफुल है कि नहीं है। एक भाई व्यक्ति ने आंसर तो दे दिया, भाई सही दिया कि नहीं दिया, उतना लेंथी हमने टेस्ट भरवाया, उतनी मेहनत की, तो सही है गलत है उसको जानने के लिए 4 वैलिडिटी स्केल्स भी उसके साथ हैं। तो यह ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के लेक्चर से इसका फाइनल लेक्चर था, क्लिनिकल इंटरवेंशन का, नैदानिक हस्तक्षेप का। तो और इसी के साथ ये लेक्चर सीरीज का ये फाइनल वीडियो है, लेक्चर सीरीज का आखिरी वीडियो है। और फर्दर लेक्चर्स के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी प्लेलिस्ट को विजिट करें, और भी हम फर्दर लेक्चर्स फ्यूचर में सेपरेटली टॉपिक वाइज और क्लासरूम लेक्चर्स को शेयर करेंगे, और नॉलेजेबल जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं फ्यूचर लेक्चर्स में। थैंक यू।